मिसाल के तौर पर बिहार में लालू की पार्टी है, बरसों से लालू के साथ थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा बेटा जो अमेरिका में पढ़ता है वो वापस आएगा बिहार को, तो उनके पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि मैंने अपने बेटे से कह दिया कि भारत को वापस मत आओ, यहां पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। बोलो उनसे पूछो क्यों कहा उन्होंने, आपकी पार्टी के हैं, उनसे पूछो आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की सीट अपनी पत्नी उनकी जीत जाती है बेगम साहिबा, और कौन हार जाते, आजम खान हार जाते। ये क्या है भाई बताइए, कैसे हार जाते आजम खान रामपुर से और आप जीत जाते हैं मैनपुरी से। हम ये सवाल करते तो इनको तकलीफ हो जाती। आखिर 186 सीट 2019 में कांग्रेस और बीजेपी लड़े, कितनी जीती कांग्रेस, मंजलिस थी नहीं वहां पे, 15 सीट। पूछो कांग्रेसियों से, जब ये चुपते हुए सवालात में करता हूं तो बोलते नहीं तुम हमारे साथ क्यों नहीं है। मैं क्या अलादीन का चिराग हूं, जिन हूं तुम्हारे पीछे आने को, वो तुम्हारा जिन तुमको हरा रहा। मैं जिन बोला तो उस पर इतनी तकलीफ हुई उनको, जिन बोले जिन बोले, क्या बोलो उसको, क्या बोलो बताओ आप। नहीं क्यों बोले, अरे भाई लाइटर वेन में बोला तुम इतना उसको। मैंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर को इतना चलाए कि जो लोग नहीं देखे तो वो भी देख लिए, माशाल्लाह। इनसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं हो सकता, याद रखिए। माने जो काम आपका दोस्त नहीं करता ये दुश्मन कर देते हैं माशाल्लाह से। माने हर जगह पर आप देख रहे हैं। अब आप इनसे पूछिए जाकर ये सेकुलर पार्टी से, भाई आप मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेना चाहते, तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं बीजेपी से लड़ना है। अच्छा बीजेपी से लड़िए, कौन नहीं लड़ो बोल रहा आपको, लड़िए, लंगोट कसिए, लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं। नहीं मगर अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाता। अच्छा कैसे फायदा होता भाई बताओ, कैसे फायदा होता बताओ, हम भी तो जानना चाह रहे कैसे फायदा होता। हमारा वोट तो चाहिए मुसलमानों का आपको, मगर हमारे साथ ठहराने के लिए हम आपके लायक नहीं है। वोट तो चाहिए मगर इज्जत नहीं देंगे, वोट तो चाहिए मगर मोहब्बत जबान से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं डर है मोदी को फायदा हो जाएगा। और खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे एंटनी ने कहा हालिया दिनों में कि अब हम ज्यादा मुसलमानों की ताईद में नहीं बोलना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वजह से हारे। आप तो बोल दो कि भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको, बोलो ना आप क्यों नहीं बोलते। आपका लीडर एंटनी एक बात कहता है, अब हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते, तो कौन सा रवैया रखेंगे आप, कौन सा रवैया रखेंगे आप बताओ। यही तो झगड़ा है मेरा, यही तो हमारी कोशिश है कि भारत की जमहूरियत शराकतदारी की जमहूरियत है, ये वन वे ट्रैफिक की जमहूरियत नहीं है। अरे जब हर जात और बरादरी के लोगों की उनका लीडर उनका जीत कर आता है भारत की पार्लियामेंट में, हर छोटी छोटी बरादरी का उनका नेता पार्लियामेंट नजर आता है, किसका नजर नहीं आता, मुसलमानों का नहीं आता। बताओ कितने एमपी भारत की पार्लियामेंट में, 4 या 5%। दूसरे जो बरादरियां हैं उनकी आबादी के करीब करीब बराबर सब वहां पर नजर आते हैं आपको। अब जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है, नहीं ये क्यों बात कर रहे तुम, ये वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे। नहीं पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है।